आजा शिवा भाई आजा, बहुत देर से तेरा इंतजार कर रहा था। अरे शिवा पागल है क्या तू? किसी को क्यों बुलाओ? यह केक हम दोनों अकेले अकेले खाएंगे, खाओगे माँ? क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है और तू मेरा दोस्त है। अगर मैंने पूरे गांव को बुलाया होता तो यह केक हम दोनों के लिए बचता ही नहीं। कहाँ से आई है? अरे मैंने तो किसी को बुलाया ही नहीं था, तू कैसे आ गई है? कौन है तू? कचरापुर की चंता बाई है। हमारे घर में बर्तन ही नहीं है मांगने के लिए, तू जा। ये केक नहीं दूंगा तुझे, नहीं दूंगा, जा जो करना है कर ले। चुड़ैल मेरा केक दे दे मुझे, वरना अगर मेरा दिमाग गरम हो गया तो। तू मेरे से केक लेगा मेरे से, पहले तू ये ले। आयो रे माँ। क्या कह रहा था तू? तेरा दिमाग एक बार गरम हो गया तो? तो ठंडा भी फटाफट हो जाता है। आयो रे माँ। और मुझसे पंगा लेगा तू? ये केक मेरे मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अरे गोरेला जी, मैंने भूतिया किताब में पढ़ा था कि अधिकतर चुड़ैलों की शक्तियाँ उन लोगों के बालों में होती है। अरे शिवा भाई, तूने मुझे जो फोकट का ज्ञान दिया उसके लिए धन्यवाद। अभी मैं जाके चुड़ैल का बाल उखाड़ता हूँ। चुड़ैल तू तो अब गई। दूंगा तेरे बाल। बस तू अपनी शर्त बता, मैं तेरी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। तू ये बता, तू यहाँ से कचरापुर चली जाएगी ना? हाँ, तू बाल तो दे सही। अरे गोरेला जी, आज केक आ गया है हमारे
प्यारे पति देव और शिवा भाई अकेले अकेले खाओगे क्या? हमें भी केक खिलाओ, हमें भी केक खाने का बहुत मन हो रहा है। ए लो, एक चुड़ैल गई, दूसरी चुड़ैल आ गई। इस वीडियो का अगला भाग जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।